अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। चित्रकूट जिला के बैलपुरवा थाना क्षेत्र के एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसका बड़ा बाप एक साल से उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, अश्लील हरकतें कर रहा था, उसे 10-20 रुपए का लालच देकर उसके साथ गंदी हरकतें करने को बोलता था। बच्ची ने अपनी माँ को ये बात बताई तो माँ ने बैलपुरवा थाना में रिपोर्ट लिखाई है। 28 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई है, आरोपी को पकड़ करके जेल भेज। क्या हुआ था बेटा आपके साथ? जी हमारे दादा हैं जो तो वो हमारे साथ छेड़खानी की है और हमें पकड़ते भी थे, कहते थे कि आओ ये मेरा पकड़ लो, पेशाब की जगह मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, मुझे पैसा लो, तुम पैसा ले लो, तुम डरो मत, और तुम लो पैसा ले लो और फिर तुम डरना नहीं न मम्मी से अपने बताना। फिर मैं आई दौड़ के, मुझे पाया नहीं, फिर मैं दौड़ के आई हूँ तो अपने मम्मी से बताई हूँ, फिर मेरी मम्मी को भी मारा है और मुझे भी मारने की धमकी दे रहा था। कोई बात नहीं। कितनी बार उसने ऐसा किया आपके साथ? एक साल मैम जी हो गया। तो हमेशा ऐसे ही करता था वो? तो पहले मैं जानती भी नहीं थी ज्यादा, तो खिलाते खिलाते मेरे सीना भी दाब देता था। इतनी गंदी हरकतें करता रहा है हाँ। तो जब परिवार वालों ने कुछ नहीं किया? परिवार वाले ने हम कहा कि देखो ये समझा लिया, अबे भाई बंदा है, इंसान से गलती होती, बैलों से नहीं होती, तो यही समझा लिया। तो कहे हम अघान हैं, हमसे मतलब नहीं आ, तो हम कहन कि अब मतलब नहीं आया, अब जाऊं तना अतहू तना धाई जा पकड़ जा कुछ हो जा तो फेरो मतलब न रखे, और नहीं जो को मतलब करी इसके लगे मिलाई करी भिड़ाई करी तो भाई फिर हमने छाड़ा। क्या कहता था आपसे? कहता था तू मेरी औरत है, तू मेरी बीवी है, मेरे साथ सुलह कर तू। तो जब आप विरोध करती थी तो क्या करता था? नहीं मुझे भी गाली देता था, मारता था। सर बैलपुरवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया था, क्या मामला था पूरा, क्या कार्रवाई हुई अब तक? बैलपुरवा के थाना क्षेत्र के अंतर्गत नयापुरवा गांव में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जो है कि उनके सगे परिवारी ही हैं, जो कि उम्र उनकी 62 साल करीब है, वो उनकी पुत्री के साथ, नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया बागसर के अंतर्गत और उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।